नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म और अत्याचारों पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स मूवी को देखने आज बड़ी संख्या में इंदौर शहर के संत महात्मा और बटुक पहुंचे। भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी और पार्षद दीपक जैन ने बताया कि ये फिल्म कश्मीर की त्रासदी को बयां करती है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को इस फिल्म में दिखाया गया है। तीनू जैन ने बताया कि हमने आज 300 से अधिक संत महात्माओं, बटुकों और कार्यकर्ताओं को फिल्म दिखाने की व्यवस्था की थी। हाथों में भगवा झंडा और तिरंगा लिए देशभक्ति के नारे लगाते संत महात्माओं और बटुकों एवं वार्ड 6 के कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में एयरपोर्ट रोड स्थित मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने पहुंचे। पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने बताया कि फिल्म में दर्शाया गया है कि किस तरह की परिस्थितियां उस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ थीं, किस प्रकार कश्मीरी पंडितों की बस्तियों में आग लगाई गई, मजबूर होकर व्यापार व्यवसाय छोड़ना पड़ा और वहां से पलायन करने पर मजबूर हुए। फिल्म देखने आए संत महात्माओं ने कहा कि अत्याचार के चलते कश्मीर के पंडितों को अपनी विरासत और अपना काम छोड़कर अपनी कर्मभूमि से दूर जाना पड़ा। इस सत्य घटना को इस फिल्म में दिखाया गया है। कहा है कि बड़ी विडंबना है कि अपने ही देश में अपने घर परिवार संपत्ति छोड़कर पलायन को मजबूर कश्मीरी पंडितों की सच्चाई को फिल्म में दिखाया गया है। संतों ने कहा है कि समाज को ये बताना बहुत जरूरी है कि इतिहास में किस तरह की गलतियां हुई हैं। ये मात्र एक फिल्म नहीं है और न ही इसे मनोरंजन की दृष्टि से देखने आए हैं। ये फिल्म उन अत्याचारों का जीता जागता दस्तावेज है जो कश्मीरी पंडितों के साथ किया गया है। दीपक जैन तीनों ने बताया है कि इस फिल्म दिखाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि किसी एक कश्मीरी पंडित के खिलाफ किसी तरह का अत्याचार होता है तो अब 130 करोड़ भारत के सपूत उनके साथ खड़े रहेंगे। इस अवसर पर महामंडलेश्वर डॉक्टर चेतन स्वामी जी, महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, महामंडलेश्वर लक्ष्मण दास महाराज, अन्ना महाराज, हंसदास मठ के प्रमुख पवन शर्मा जी, वीर बगीची के प्रमुख पवनानंद जी महाराज, कबीरपंथी बालक दास जी, दादू जी महाराज, विजय राम दास जी, राजानंद जी महाराज, कपिल शर्मा, मुकेश खाटवा सहित बड़ी संख्या में विद्याधाम संस्कृत पाठशाला हंसदास मठ के बटुक और वार्ड 6 के कार्यकर्ता उपस्थित थे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।